करने का नहीं। लेकिन क्या होता है कि बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसी से औरत की जो सेहत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे के ऊपर भी जैसे मैंने कहा बहुत असर बुरा असर पड़ता है। तो अब गांव की औरत अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वहां पर ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो जो गांव की औरत है वो ज़रा थोड़ा सा डरती है क्योंकि अगर उसको फैमिली प्लानिंग लेनी होगी तो वो कहेगी कि भाई मैं अपने हस्बैंड से पूछूँ, हस्बैंड को इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो जब डिसीजन मेकर हस्बैंड या जो भी वो अवेयर नहीं होगा, उसको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो वो क्या डिसीजन लेगा। तो इसलिए हमें गांवों में गोठों में बहुत ज़्यादा जो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, उनका शऊर जागर करना है कि फैमिली प्लानिंग में हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं जा रहे, बल्कि हम आपके कुंबे को आपकी कम्युनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, औरत को सेहतमंद बनाना चाह रहे हैं, बच्चे को सेहतमंद बनाना चाह रहे हैं ताकि सेहतमंद बच्चा आए तो वो एक अच्छा शहरी बन सके। किसी ने कहा था ना कि किसी फिलोसोफर ने ये कहा था कि आप मुझे सेहतमंद माएँ दो तो मैं आपको सेहतमंद कौन दूंगा। तो अगर सेहतमंद बच्चे होंगे बड़े होंगे वो एक अच्छी कौम बनेंगे, पढ़ा लिखा जो है वो बच्चा होगा, पढ़े लिखे जो कौम होगी तो वो हमारे मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए, हमारे घराने के लिए वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग की जाए, बच्चों में स्पेसिंग की जाए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और जब